वालेकुम चला जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। और गाइस, आज वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी की। बहुत अमेजिंग वाली वीडियो होने वाली है कि हजरत जिब्रील के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। तो जब वो इंसानी शक्ल में आए यहाँ पे धरती पे, तो लोगों के क्या रिएक्शन थे और क्या हुआ था उस टाइम पे और क्यों उन्हें आना पड़ा इंसानी शक्ल में, तो भाई वीडियो देखते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद जी वीडियो होने वाली है, बहुत अमेजिंग वीडियो होगी ये। सो इसको कहते हैं, तो वीडियो के बीच में बाल बुल बंद जा रही है, मेरे बाल निकल गए थे बाहर ना। अच्छा भाई, हम कुछ कट नहीं करते भाई, जो होता है हमारा वो डायरेक्ट सामने होता है। हम कुछ छुपा के नहीं करते कि कोई गलत मुंह से वर्ड निकल जाए तो उसको काट दें। जो है रोई है भाई, आप सभी अपने हो तो बाकी इसको प्ले करते हैं। और मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मशहूर हदीस जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और क्या था, शदीदु बयादि सियाब, इंतहाई सफेद कपड़े उस शख्स ने पहने हुए, शदीदु सवादि शार, इंतहाई सियाह बाल, ला युरा अलैहि अथरु सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद। कितनी अजीब बात है, कह रहे हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था लेकिन उस पे सफर के कोई आसार थे भी नहीं। तो बहुत अजीब सी बात है या नहीं है कि एक बंदे के इतने सफेद कपड़े, जबकि वो इस महल्ले का भी नहीं, क्योंकि पहले तो ऊंटों पे पैदल आते थे ना, तो भाई मैले कपड़े होते, हम कहते पता नहीं कहीं से कहां से आ जाओगा, मिस्र से आ जाओगा, शाम से आ जाओगा, कहीं से आ जाओ। वो लोग तो सब एक दूसरे को जानते थे, जैसे गांव में जानते, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कपड़ों की सफेदी से लग रहा है भाई मकामी आदमी अभी नहा धो के आया है, मगर हम में कोई उसको जानता नहीं। और ऐसा जवान के उसके इंतहाई से अहबाल, और नबी से इतनी बेतकल्लुफी का इजहार जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हत्ता असनदा रुक बताई ही इला रुक बताई वा कफई ही अला फखिजई, अपने घुटने नबी के घुटनों के साथ मिला दिए, ऐसे दो जानों चिपक के बैठ गया, और अपने हाथ अपनी या नबी की रान मुबारक पे रख दिए। तो कितना अजीब मंजर है, सही बात है। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं हम में ये गोया हदीस का मफहूम है कि हम में हिम्मत नहीं हुई कि नबी से पूछे कि ये कौन है। भाई देख रहे हैं बस, जो भी मंजर है देखते रहो, हो क्या रहा है भाई। नबी जब ना उसको डांट रहे हैं ना उसे कुछ कह रहे हैं, होगा कुछ हमें नहीं पता। और फिर आगे क्या फरमाते हैं कि नबी से सवाल पूछा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताओ इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब सहाबा बैठे हुए हैं, सब ये मंजर देख रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नबी की मजलिस में पूछ ले। चुप करके देखते रहो क्या हो रहा है। हम होते 20 दफा हम दरमियान में पहले उसको गरीबान से पकड़ के बाहर निकालते हैं, तू है कौन, किससे पूछ के आया है, और तू पहले बता, तू तेरे कपड़ों पे ना कोई असर है, जिन तो नहीं है कहीं। भाई देख रहे हैं कि जब नबी कुछ नहीं कह रहे तो सबसे ज्यादा एतराज किसको होना चाहिए था, नबी को, तो नबी हमसे ज्यादा जानते हैं, तो जब वो खामोश है तो हम भी क्या करें, चुप करके बैठे रहे आराम से, खामोशी से बैठे रहे। और फिर कितना अजीब मंजर कि घुटने नबी के घुटनों मुबारक के साथ मिला के पूछ रहे हैं कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप बताओ मुझे इस्लाम क्या है। तो आपने फरमाया इस्लाम ये कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, व तुकीम अस्सलात व तूती अज़्ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, रमज़ान ज़कात दो, रमज़ान के रोज़ नमाज कायम करो, ज़कात दो रमज़ान के रोज़े, और इस्तताअत है तो हज करो। फरमाते हैं उसने कहा सदक़ता, ए मोहम्मद आपने सच कहा। हज़रत उमर कहते हैं हमें और अजीब, फ़ाजिबना यसअलुहु व युसद्दिकुहु, भाई सवाल भी पूछ रहा है और खुद ही कह रहा है सच का, तो ये तो इम्तिहान लेने के लिए आया है, और इम्तिहान किसका हो रहा है, माज़ अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। भाई जो सवाल पूछता है वो ये तो नहीं कहता कि आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, इसका मतलब आपको तो पहले से पता था, तो पूछ क्यों रहे हैं हमसे। लेकिन किसी सहाबी में ये हिम्मत नहीं हो रही कि नबी के महफिल में सवाल पूछे कि या रसूल अल्लाह जब ये पूछा क्यों इसने, ये तो माज़ अल्लाह आपका इम्तिहान लेने आया कोई। जब फिर उसने पूछा जिब्रील, वो बाद में पता चला वो फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, फिर पूछा कि मल ईमान क्या है, मल ईमान, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ये
अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर ईमान लाया जाए। सदक़ता, उसने सच कहा। फिर उन्होंने पूछा कि एहसान क्या है, फिर आपने फरमाया ताबुद अल्लाह का अन्नक तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तुम देख रहे हो क्योंकि वो तो तुम्हें देख रहा है। सदक़ता, उसने कहा बिल्कुल सच कहा। मतसा, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको मालूम था कि जैसे मुझे नहीं पता सामने वाले को भी नहीं पता, समझ रहे हो, ये किसी को भी नहीं पता। तो यहां आपने जवाब में ये नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है, बल्कि आपने बता दिया कि जैसे तुम्हें मालूम नहीं है, यहां तुम सदक़ता नहीं कह सकते, जैसे मुझे मालूम नहीं है तुम्हें भी, इसलिए आपने फरमाया मल मसूल अनहा भी आलम अमीन साइल। अरबी बड़ी खानदानी जबान है, खुदा की कसम अरबी जो है ना बड़ी प्यारी जबान है, किसी को सही आती हो तो अरबी की बलागत का अरबी में ही मजा है। मल मसूल अनहा भी आलम अमीन साइल, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। कुरान की बाज आयतें ऐसी वजद वाली है ना कि मजा आता है उनको पढ़ने में। जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था ना कुल्ला ला तखफ इन्नका अंतल आला, इसका उर्दू में तर्जमा नहीं बनता। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगर थे ना, तो जादूगरों ने हजारों लाठियां फेंकी, सांप बन के हजरत मूसा की तरफ दौड़ने लगी। कुरान कह रहे फाउजसफी नफसिही खीफतम मूसा, मूसा ने दिल में क्या महसूस किया, खौफ। देखो कुरान के अल्फाज ये नहीं है कि मूसा घबराने लगे, क्योंकि अगर घबराने लगते ना दुश्मन पे रोब खत्म हो जाता, दुश्मन कहता हार गए। कुरान दिल की कैफियत बयान कर रहा है, मूसा ने गोया अपने जाहिर पे कंट्रोल किया हुआ था, समझ रहे हैं, जाहिर पे क्या किया हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कंट्रोल किया, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं है, लेकिन कुरान दिल की कैफियत बयान कर रहा है दिल में क्या था, खौफ। ये बलागत है। फाउजा सफी नफसी ही खाफा मूसा, नहीं है मूसा खौफजदा हो गए, इसलिए हम कहते हैं ना फला खौफजदा हो गया, तो उससे ये मुतबादिर होता है कि यानी देखने में ऐसा लग रहा था क्या हो गया, उस खौफ के आसार दिल से कहां आए जिस्म पे। हजरत मूसा ने अपने ऊपर कंट्रोल किया कि ये इतना बड़ा मुकाबला हो रहा है इस्लाम और कुफर का, ईमान और कुफर का, कि अगर मैं घबराने लगा ना इनके सामने तो ये इनसे इनका इनका मुराल क्या हो जाएगा बुलंद। तो कुरान कह रहा है ऊपर से तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन दिल की कैफियत कौन जानता है, अल्लाह। फाऊ जसफी नफसी ही, कुरान कह रहा है दिल के अंदर मूसा को खौफ महसूस हुआ। कुलना, हमने कहा, हमने क्या कहा, दिल के अंदर वही की अल्लाह ने भी, दिल घबरा रहा है तो दिल में वही की, ला तखफ ए मूसा खौफ मत कर, इन्नका अंतल आला, आज के दिन तू ही गालिब होगा। ये नहीं कहा इन्नकल आला, ना 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 ना, इन्नकल आला नहीं कि तू गालिब होगा। इन्नका, देखो इन्नका माना भी वही है जो इन्नका अंता है, का मतलब भी तू, अंता का माना भी तू, तो जब एक दफा का कह दिया तो दोबारा अंता कहने की क्या जरूरत है भाई। अबे छोड़ो यार, रहने तो तुम लोग को बहुत मुश्किल है बात समझ, मुझे मजा आ रहा है ना इस आयत में, वो आप सोच भी नहीं सकते। कुरान ये नहीं कह रहा इन्नकल आला कि तू क्या हो जाएगा, तू ही बरतर होगा, तू ही गालिब होगा। इन्नका अंता, ये ताकीद के लिए, ए मूसा तू सिर्फ तू, ठीक है ना, अकेला। अल आला, और आला भी नहीं है, उसूली तौर पर खबर पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, ग्रामर के लिहाज से उसूली तौर पर इन्नका अंता आला होना चाहिए, या इन्नका, सॉरी अंता नहीं, इन्नका आला, मुब्तदा मारिफा होता है, खबर क्या होती है, नकिरा। समझते नहीं हो बात, जब पढ़ोगे नहीं रात को तो समझोगे नहीं बात, इन्नका आला होना चाहिए, ए मूसा तू गालिब आ जाएगा, ये मतलब होगा सीधा सीधा तर्जमा इसका। अल्लाह ने आला पे अलिफ लाम लगा दिया, अलिफ लाम जब लगता है ना किसी, तो वो किसी स्पेसिफिक चीज को कहते हैं, जैसे किताब का मतलब कोई भी किताब, अल किताब का मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई खास किताब। आप जब कहते हैं बंदा आया है, बच्चे घर में आके बता रहे होते हैं पंजाब में बंदा आया है, कराची में कहते हैं आदमी आया है कोई,
ये बंदा का लफ्ज पंजाब से इंपोर्ट हुआ है। कराची में लोग कहते थे कोई इंसान आया, कोई आदमी आया, तो पंजाब में क्या कहते हैं उसको, बंदा आया। अच्छा, शगुन के इंसान का बच्चा बन जाए, वो बंदा बन जाए, ठीक है ना। तो हम जब कहते हैं कोई बंदा आया है, ये एक बंदा आया है, तो वो अननोन होता है। अब्बू को बता रहे होते हैं अब्बू एक अंकल आए हैं, इसका मतलब क्या होता है, कोई है। लेकिन अगर ऐसा बंदा आया हो जिसका आपको पता हो, यानी पहले आ चुका हो और आप उसके इंतजार कर रहे हो, वो स्पेसिफिक वो बंदा आ चुका हो, तो अरबी में कहेंगे अल बंदा। बंदा अरबी का लफ्ज नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए, जा रजुलुन यो सड़े रागले, यो सड़े कहेंगे ना, यो सड़े रागले, मौका देके भाग ले। एक बंदा आया है, जा अर रजुल, तो इसका मतलब वो एक मखसूस बंदा है जिसका पहले से आपकी खोपड़ी में तसव्वुर है। तो कुरान कह रहा है इन्नका अंतल अल आला। अल आला का मतलब कि जब मुकाबला हो रहा है ना, तो जो शख्स बरतर आने वाला है, लोगों के जहन में गोया कि उसका एक तसव्वुर है कि एक ना एक जीतेगा, तो वो जो जीतने वाला मखसूस शख्स है, आपके अलावा कोई भी नहीं है वो, और सिर्फ आप ही हो। अल आला कौन है आज, अल आला, आला नहीं बल्कि अल आला कौन है, पूरा तर्जमा हो नहीं सकता इसका, वो कौन है, ए मूसा सिर्फ और सिर्फ तू ही है। तो ला तखफ, तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये आयत कहां से आ गई। हाँ, तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, मल मसूल अनहा बिअअलम मिन السائل, ये भी क्या है, बलागत है। जिससे पूछा जा रहा है वो साइल, मसूल साइल से ज्यादा नहीं जानता। तो फिर हजरत जिब्रील ने, वो जो इंसान थे, वो जिब्रील थे, इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने पूछा कि अलामत बताएं, तो आपने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बताहा। इस हदीस पे जो अदब वाली बात है वो मैं भी पिच्ची पकड़ के रखना, भूल ना जाऊं। लेकिन इस हदीस में बात आ गई है, तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पर तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पर कंट्रोल कम होता है, क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पर वो तो कमजोर है ना, उस पर क्या होता है, आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पर क्या करेगा, यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी, हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि इसराइल की हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया, हजरत हारून पर, अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची के मा मना का इधर आई था हूं गल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं। तो हजरत हारून ने क्या कहा, बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का, ला यब न उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे, ए मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है, माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना, अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें, अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे हैं तमीज से ज्यादा लाड प्यार दिखाओगे ना अब्बा, ये हो गया तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना, जो बात है अदब तमीज, माओ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि ताजीम उस पर गालिब होती है, अम्मा की मोहब्बत दो मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका, अम्मा का, तो हजरत हारून भी वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूँ आपको, यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है,
जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है, कुर्ब क़यामत में बेटा क्या होगा, माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने वो जिसको आप जन रहे हैं वो कोई एक किस्म की लौंडी गुलाम हो मातहत हो, लेकिन उल्टा उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा, शार्ट। मतलब हदीस का यही है कि छोटे छोटे जो है ना वो बड़ों की जगह हो जाएंगे और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूं, दीनदार घरों में कम। बाप और मां अपने बच्चों को स्कूलों में 15-20 हजार रुपए फीसे देकर बदतमीज बना रहे हैं बाकायदा पैसों के जरिए। सही बोला, यानी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न स्कूल हैं और बहुत ही मॉडर्न किस्म के स्कूल जिनमें मजहब नहीं है, बच्चा इंग्लिश इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, और ठीक ठाक फीसें दे के क्या कर रहे हैं, अपनी नाफरमानी पैसे दे के सिखा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक केस आया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। एक साहब ने कहा मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया, मैं 20-20 हजार रुपए फीसें दे रहा हूं और वो चर्स पी रही है, वो पता नहीं कितने कितने लड़कों से दोस्तियां लगा रही है। तालीम को फोकस करने के चक्कर में तहजीब का बेड़ा गर्क, यानी गोया के पैसे दे के बाकायदा क्या किया जा रहा है, अपने बच्चों को खराब किया जा रहा है। तो जना भी खुद एहसान भी खुद किया और निकला क्या रिजल्ट, वही आप पे क्या कर रहा है हुकूमत, वो आपकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो इसमें भी अदब की तलकीन की गई है। मैं जब कुछ इस तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास कि बाप बेटा बैठा हुआ होता है और बाप अपने बेटे की शिकायतें कर रहा होता है बड़े धीमे लहजे में कि बच्चे को गुस्सा ना आ जाए, और बेटा जवाब दे रहा होता है बड़ी ऊंची आवाज में, ये मैंने बहुत देख लिया है, बहुत देख लिया अपनी जिंदगी में। इससे मुझे फौरन वो हदीस याद आती है कि इसको बाप होना चाहिए और इसको बेटा। बाप को ये डर लगता है कि यार अब मेरी औलाद है यार, मैं कोई ऊंची आवाज से वो एकदम मिट ना घूम जाए। देखो ये औलाद के नालायक होने की अलामत है कि आपने अपने बाप को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आपको डांट सके। yes, अगर आपका बाप आपको डांटते हुए घबराता है ना, खुदा की कसम ये बाप के खराब होने की दलील नहीं है, ये औलाद के खराब होने की दलील है। ये औलाद के खराब, वो डर लगता है उसको कि यार कुछ बोल दूं तो ऐसा ना हो नाराज हो जाए। मैं नहीं कह रहा औलाद पे बेजा सख्तियां करें या खाम खामे डांट डपट करते रहे, उससे तो डिप्रेशन के मरीज बनते हैं, बाप माँ बाप जुल्म भी करते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा कि मेरा इरादा है, मैंने जो सेनेट में बिल पेश हुआ ना कि माँ बाप को औलाद पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं, शौहर को बीवी को डांटने की इजाजत नहीं, तो ये बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। yes. माँ बाप को बिला वजह औलाद पे हाथ उठाना शरण जायज। आज एक साहब बहस करने लगे कि मुझे इजाजत दी है शरीयत ने कि मैं अपने बच्चे को थप्पड़ मार सकता हूँ। मैंने कहा आपको इजाजत शरीयत ने नहीं दी है कि बिला वजह आप अपने बच्चे पे हाथ उठाएं, और खासतौर पर नाबालिग पे। नाबालिग के हकूक इस्लाम में बहुत ज्यादा है। माँ को इजाजत नहीं अपना गुस्सा किसी और पर निकाल किस पे रही है। मैंने माओ को देखा है तबीयत खराब है, झुंझला रही है, बच्चे को पढ़ के तबीयत से कूट दिया उसको बेचारा। बाज बच्चे माँ की चंगेज खान जैसी माएं होती हैं, वो बच्चे ठिठर ठिठर के उनकी जो ग्रोथ है ना वो ही रुक जाती है उनकी, इतना सख्ती का माहौल उन्होंने घर में देखा होता है। तो ये ना बाप के लिए जायज है और ना माँ के लिए। तो इसमें मैं उलमा के वाकयात भी सुनाऊंगा कि अपनी औलाद को मारने से पहले क्या उनके उसूल थे कि हम ज्यादती ना कर बैठे, तो ये भी है। अच्छा खैर, तो जल्दी से बात को ये समेट खत्म करता हूँ कि क्या हो गया हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हजरत जिब्रील आए, तो हजरत उमर फरमाते हैं, ये मेरा भांजा है, ये कह रहा है जी करूंगा, इसको मैं कहता हूँ दुकान पकौड़ों की बातें तो करो शादी, लेकिन अपने खर्चे पे करो, अपना अलग घर लेके दो। ये आधा बयान सुनते हैं आधा नहीं सुनते। एक दिन ये और इसका छोटा भाई दोनों हाफिज हैं माशाल्लाह, कहने लगे मामू कोई बेवा शेवा का रिश्ता हो तो बता दे। इनके घर में फड्डा हो गया यार, ये क्या बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम तो तरबियत के लिए भेज रहे थे और ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब आप मुफ्ती तारिक मसूद के बयान में भेजोगे तो ये सोच के भेजा करो,
लेकिन मैंने इनसे कहता हूँ कि बेटा तुम आधा सुन रहे हो आधा नहीं सुन रहे। मैं नौजवानों को तरगीब देता हूँ शादी करो, लेकिन ये नहीं कहता कि अब्बा को फोर्स करो कि अब्बा अपने खर्चे पे कराए। घर भी आपका अपना होगा, बेगम को खिलाने का खर्चा भी आपका अपना होगा, फिर आप चार करो, फिर ऑर्डर पे बेवा बना बना के करो। ठीक है तो अच्छा खैर, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फलबिस्तु मलिया, मैंने जब ये मंजर देखा तो मैं बहुत दिनों तक ठहरा रहा। यानी कुछ दिन गुजरने के बाद भी हजरत उमर की हिम्मत नहीं हुई कि नबी से पूछे कि या रसूल अल्लाह ये कौन थे, ये क्या है एहतराम, कि भाई ऐसा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए। खुद क्यों नहीं बता रहे भाई, ये अहम बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद मुअल्लिम थे, खुद बताते। तो फरमाते हैं कुछ दिन के बाद खुद नबी ने मुझसे पूछा कि उमर जानते हो वो शख्स कौन था, मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। फरमाया हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे इंसानी शक्ल में आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। इससे पता चलता है कि तालीम का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि उस्ताद बैठ के बच्चों को पढ़ाता रहे सारा दिन बैठ के, ये नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है कि एक माहौल बना दिया, एक शख्स आ रहा है सहाबत, अच्छा फिर एक ताज्जुब की फजा कायम की गई ताकि ना उनको ये महफिल याद रहे। अगर ऐसा ही होता वो नॉर्मल ड्रेस सफर वाले ड्रेस में आते हैं तो ये तो नॉर्मल मजलिस है भाई, कोई मुसाफिर आया है। ऐसा एक मखमसे में डाला गया, क्योंकि जब कोई ऐसी अजीब सी महफिल होती है ना तो दिमागों में बैठ जाती है, उसका एक एक मंजर याद रहता है। So guys, ये थी वीडियो, बहुत कमाल की वीडियो थी ये। जी तो इन्होंने हमें इस वीडियो के दौरान सिखाया है कि अपने माँ बाप के अपने बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, क्योंकि जब हजरत जिब्रील आए थे प्रॉफेट मोहम्मद से मिलने तो वो बिल्कुल एकदम पूरे वाइट कपड़ों में आए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि पूछे हम प्रॉफेट मोहम्मद से ये कौन है कौन है ना, वो रिस्पेक्ट करते थे, उनको ये था कि ये नाराज ना हो जाए कि मेरे से क्यों पूछा है ना ऐसा, अगर बताना होता तो उन्होंने खुद ही बता देना, उनके दिमाग में ये है कि कोई अगर अहम बंदा होता है कुछ ऐसी बात होती वो खुद ही बताए थे, और उनको ये था कि हमारे गुरु हमारे टीचर भाई वही नहीं पीछे कर रहे, उनको वही कुछ नहीं कह रहे तो हम क्यों पूछे उनसे। ये होती है रिस्पेक्ट अपने गुरु की अपने टीचर की। और बाकी इन्होंने बहुत सी बीच में क्लिप्स चला दी अपने भाइयों से रिलेटेड, भांजों से रिलेटेड, माँ बाप के रिलेटेड, है ना। लेकिन मेन बात इनकी यही थी कि रिस्पेक्ट करो, ये था मेन वीडियो चलाई थी कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते आजकल की, जोर जोर से बोलते हैं बाप डरता है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए या कुछ बोलना दे। तो बाकी तो यही थी मेन, तो यही था इनका कि रिस्पेक्ट करो, और बाकी तो ये थी। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी, सो आपने ही सजेस्ट करी थी वीडियो तो देख लिया हमने। सो बाकी इस वीडियो को ये एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।